ही पॉपुलर एक्टर और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए 25 दिन हो चुके हैं। बीते 2 सितंबर के दिन हार्ट अटैक के चलते 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। बहुत ही कम उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सिद्धार्थ के निधन से गहरे सदमे में डूबी हुई है उनकी पूरी ही फैमिली और उनकी क्लोज फ्रेंड शहनाज गिल। शहनाज गिल का काफी बुरा हाल है। सिद्धार्थ के निधन से शहनाज अंदर से टूट चुकी हैं। शहनाज की हालत ठीक नहीं है। परिवार के सदस्य शहनाज की हालत को लेकर बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए तो फैंस दुआएं मांग रहे हैं कि शहनाज जल्द से जल्द इस सदमे से उभर आए और अपने काम पर ध्यान दें। फैंस चाहते हैं कि शहनाज पहले की तरह हंसती मुस्कुराती हुई नजर आए। शहनाज का सहारा बनी हुई है सिद्धार्थ शुक्ला की माँ रीता शुक्ला। वह चाहती है कि शहनाज अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी दौरान देखा जाए तो शहनाज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी खबरें आ रही हैं। बता दें आपको कि बीते कई दिनों से शहनाज की अपकमिंग फिल्म हौसला रख को लेकर अपडेट्स आ रही हैं। हाल ही में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया और बताया कि 15 अक्टूबर के दिन ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। दशहरा के खास मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो फैंस के लिए गुड न्यूज ये आ चुकी है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हां, हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के ट्रेलर को शेयर किया है और अपनी खुशी को जाहिर किया है। दिलजीत ने लिखा है कैप्शन में, टेंशन वेंशन मर्द नहीं लेन दे, और इसके आगे फिल्म को लेकर अपने दिल की बात भी कही है। हौसला रख को लेकर यहां पर दिलजीत ने अपनी खुशी को जाहिर किया है। तो वही दिलजीत के साथ नजर आ रही हैं इस फिल्म में आप सभी की प्यारी चहेती शहनाज गिल। एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी इस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं और इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। महज एक घंटे में इस ट्रेलर को काफी सारे व्यूज मिल चुके हैं और लाइक्स की भरमार लगी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए शहनाज गिल के लिए अपने प्यार को जाहिर किया है फैंस ने। बता दें आपको कि इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं शहनाज के पिता। जी हां, सोशल मीडिया पर शहनाज के पिता ने इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया और इस तरह से शहनाज को पूरा ही परिवार सांत्वना दे रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है और चाहते हैं कि शहनाज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे में देखा जाए तो फैंस के लिए ये वाकई में बेहद बड़ी खुशखबरी है और ये फिल्म 15 अक्टूबर के दिन रिलीज हो जाने वाली है। इस फिल्म में शहनाज का एक अलग ही अवतार देखने को मिलने वाला है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।